मेरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही हो। इसके साथ में हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर 3 है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे बेटो। मैं भी अच्छा हूँ बच्चों। अच्छा, तो वो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पहले करा दिया है आपको। वेरी गुड, उसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। हाँ, आंसर देते रहो मुझे, बिल्कुल। वेरी गुड, सेकेंड चैप्टर भी पढ़ा दिया है। हाँ वेरी गुड, सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी आपको करा दिए हैं, है ना? वेरी गुड। अब आपको हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे। इन चैप्टरों को आपको लर्न भी करना है और नोट भी करना है ना? और ये थर्ड चैप्टर है, हम लोग अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर को। इसके साथ ही हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा थर्ड चैप्टर और इसके फिर क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। नादान दोस्त, यानी कि ये इस पक्षी के बारे में है। दो दोस्त हैं, दो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो नादान हैं। उनसे किस तरीके की गलतियां होती हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया गया है। दो भाई बहन के ऊपर है ये कहानी है, नादान दोस्त। केशव के घर कौनेस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उनकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहाँ आते जाते देखा करते थे। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी बहुत सारी चिड़ियों ने कभी कभी ना कभी कोई बच्चे दिए होंगे, किसी बच्चे ने कोई बच्चे दिए होंगे। सवेरे दोनों आंखें मलते ही कॉनिस के सामने पहुंच जाते थे। कॉनिस मिस कॉर्नर होता है ना, जो टाँड वगैरह सा लगा रहता है घर के बाहर वगैरह, ऐसा इस तरीके का कॉर्नर्स होता है, के सामने पहुँच जाते और चिड़िया और चिड़ियाँ दोनों को वहाँ बैठा देख पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों ने के दिल में तरह तरह के ख्याल सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस तरह के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। जैसे बच्चों के मन में आता है ना, चिड़िया कैसी होती है, वो क्या करती है, कैसे खाना खाती है, इसी तरीका से उनके मन में भी बहुत सारे विचार होते थे। जैसे ही वो सुबह जगते थे तो सबसे पहले वहीं पर बैठ के उन चिड़िया और उनको चिड़िया हैं उनको देखते रहते थे, है ना? और उसी तरीका से उनके मन में बहुत सारे सवाल होते थे कि पता नहीं घोंसला कैसा है, अंडे कैसे हैं, अंडे क्या खाते होंगे, बच्चे कैसे निकलते हैं, पंख कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें, पंख कैसे निकलती हैं, इन सारी चीज़ों को वो लोग देखते थे और इनके मन में क्वेश्चन आते थे इनके। लेकिन इनको जवाब देने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था, जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल की तसल्ली दे दिया करते थे, है ना? जब कोई नहीं था तो वो क्या करते, आपस में ही सवाल जवाब कर लेते थे और आपस में एक दूसरे को तसल्ली कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, है ना? तो उसका भी सही है बिल्कुल जवाब, कि पर नहीं होंगे, उनके पंख नहीं होंगे, तो पंख नहीं होंगे तो वो कैसे उड़ेंगे, है ना? श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी, और श्यामा बोलती चिड़िया है वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इन पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तो बहुत दिन हो गए और अंडे थे, अंडों में से अब बच्चे निकल आए होंगे, और बच्चे निकल आए होंगे तो चिड़िया तो उनको खाना कैसे खिलाएगी, और जब उनको चिड़िया खाना नहीं खिलाएगी तो बच्चे मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंतजाम कर लिया, उन्होंने ये इंतजाम किया कि अब इन लोगों को लिए खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम किया जाए। और फिर वो क्या करते हैं, खाने पीने का भी इंतजाम उनके लिए करते हैं। कैसे करते हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे। बेचारे कैसे खड़े होंगे, कहा हो गया, अच्छा सामा क्या बेचारी है, ये इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन ये तो हो गया, उन्होंने सामने खड़ा हो गया था, यानी कि इस तरीके का पेचीदा सवाल उनके सामने खड़ा हो गया। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉनिस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना होगा। यानी कि उन्होंने फैसला कर लिया कि चिड़िया जब दाना इतना नहीं लेके आ पाएगी तो बच्चे तो मर जाएंगे, इसलिए क्या करना चाहिए, इस कॉर्नर्स के ऊपर ही हम लोगों को क्या रख देना चाहिए, दाना रख देना चाहिए, जिससे चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से खा लिया करेगी वो चिड़िया, फैसला उड़कर ना जाना पड़ेगा। केशव, नहीं तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। और फिर वो बोलती है कि जब चिड़िया जाएगी नहीं तो फिर बच्चों को धूप तो लगेगी। श्यामा बोलती है कि बच्चों को धूप लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया, बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे,
ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने चाहिए। प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया और उन दोनों ने अपने मन में प्लानिंग कर ली कि ऐसा करते हैं, हम कपड़े की तो एक छत बना देते हैं, है ना, जिससे उनको धूप नहीं लगेगी। कटोरी में पानी रख देते हैं और कुछ चावल वगैरह खाने के लिए रख देते हैं। तो ये फैसला हो गया, प्रस्ताव पारित हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाप से काम करने लगे। श्यामा की माँ आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए आए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों से के कपड़ा कैसे ठहरेगा और छड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी कैसे। ये सवाल उनके मन में आ रहे थे कि इस तरीके से कैसे होगा। श्यामा थी वो चावल लेके आ गई मम्मी के यहाँ से, और जो था ना लड़का केशव, केशव ने क्या किया, वहाँ पर कटोरी सी थी उसमें कुछ पानी वानी, वो ऑयल पड़ा हुआ था, ऑयल को फेंक के उसने उसको साफ करके उसको पानी के पानी का और खाने पीने का इंतजाम तो कर दिया। अब बात आती है कि उस कपड़े को कहाँ से लाया जाए और कपड़े को कैसे लटकाया जाएगा जिससे वो खड़ा रहे कपड़ा, है ना, खड़ी होंगी कैसे, यानी कि वो छड़ी लगाई जाएंगे उसमें डंडे लगाएंगे, वो कैसे खड़े होंगे। केशव बड़ी देर तक इसी उधड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा ने बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच में फटी हुई है, उसमें से धूप ना आएगी, केशव ने झल्लाकर कहा। तो टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिमाकत निकालता हूँ, यानी कोई प्लान या विचार करता हूँ, उसके लिए कोई तरकीब निकालता हूँ। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंसा दिया और अब टोकरी को एक टहनी के में से टिकाकर बोला, देख कैसे ही घोंसले पर उसकी आड़ दूंगा, तब कैसे धूप आएगी। यानी कि उसने उस छेद था उस टोकरी के ऊपर वाला तो उसको बंद कर दिया और उसको ऐसे रस्सी के थ्रू ऐसे बांध के उसको ऐसे खड़ा कर दिया, तो डंडी के थ्रू, तो वो देख लिया कि अब ऐसे इस तरीका से होगा तो इस तरीका से धूप नहीं आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। मम्मी जी को बुला बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि मम्मी जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियों में होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। वो फिर क्या किया, जैसे ही उन्होंने प्लानिंग कर ली, मम्मी सो गई, मम्मी सोने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ से निकले और उस पर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे। स्टूल लेके आए, स्टूल से कम पड़े, मतलब छोटा पड़ गया, स्टूल से ऊपर नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने क्या किया, नहाने के लिए पट्टा होता है, उस पट्टे को लेके उसके ऊपर स्टूल रखा और ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश करने लगे। डरते डरते उस पर चढ़ गए। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव आता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कॉर्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़, यानी कि उस तरीका से जैसे ही वो हिल जाता तो श्यामा पे गुस्सा करने लगता, अच्छी तरीका से पकड़ो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अगर बेचारी श्यामा को दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था, बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर तीन अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था, नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया। केशव, नहीं, तीन अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा छितड़ी ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई। और वो बोलता है, इस तरीके से अंडे वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो बोला है कि यहाँ पर घोंसला वोंसला तो है नहीं, तो ये अंडे कैसे रहेंगे, इस फर्श पर डले रहेंगे तो बेकार होंगे। इस तरीके से उसने बोला कि श्यामा से बोलता है कि श्यामा तुम जाके कपड़े लेके आओ। तो वो कपड़ा ला के पुरानी धोती को फाड़ के ले आती है और उस धोती की वो कईयों यानी गरी करके तय बना देते हैं और उनको ले वो बना देते हैं और उसके ऊपर वो अंडों को रख देता है। तिनकों से उठाकर उधर की तरफ उसको तिनकों से कपड़ा ले लिया, उसकी तई कई तरह बनाकर उसको रख दिया और तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे ऊपर धीरे से उस पर रख दिए, यानी कि उन्होंने धीरे से उठाकर उन अंडों को उसके ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी, बोला अब तुम उतर जाओ,
उत्तर आओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आस्था से उतर आया। श्यामा ने गिड़गड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तो गिर जाएगी। यानी कि उसने टोकरी वगैरह रख दी, लकड़ी भी रख दी और पानी के लिए भी रख दिया। पानी टोकरी के नीचे लकड़ी लगा दी, पानी और दाना भी रख दिया और उन्होंने कपड़े पे बिछा के वो अंडों को भी रख दिए। फिर वो नीचे उतर आता है और फिर वो श्यामा से बोलता है, श्यामा भी बोलती है कि मुझे भी दिखा दो भैया। तो बोलते तू गिर जाएगी श्यामा। केशव बोलता है कि तू गिर जाएगी श्यामा। नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रखना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर पड़ी तो मम्मी जी मेरी चटनी कर देंगी, डालेंगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, यह करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉनिस पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। यानी कि जिस तरीके से चिड़िया वहाँ पर आने लगी तो उनको ऐसा लग रहा था ये हमारी वजह से नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्टूल को और जो जो भी सामान लेके आए थे वहीं पर उन्होंने रख दिया। श्यामा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मी जी से कहूँ दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहोगे तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते तो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप में आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना? किसने किसने किवाड़ खोला? यानी कि जब मम्मी जाग जाती है उनकी तो उनको डांटने लगती हैं, तो डांटने के बाद उनको ऐसे ही बोलती हैं कि तुमने निकलने की धूप दिन में धूप में निकलने की मना की थी, तुम कैसे निकल आए? किवाड़ किसने खोले थे? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे, अंडे ना देखे दिखाए दे उसे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। इस कसूर में के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता कि शायद दोनों ही बातें थीं। यानी कि वो श्यामा भी चुप थी कि वो उसने बताया नहीं कि किसने किया था। एक तो उसको भैया था, भैया पिट जाएगा इसका डर था, दूसरा उसको ये भी परेशानी थी कि उससे जो भी काम किए थे उस सब में उसकी भी हिस्सेदारी थी, तो उसकी भी पिटाई होना पक्का है। माँ ने दोनों को डांट फटकार कर फिर कमरे में बंद किया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज धूप चल रही थी, अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे सायंकाल श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कॉनिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूजे की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। यानी कि जैसे ही वो दौड़ के आती है बाहर, देखती है भैया को, उसको देख, जैसे ही वो सो जाते हैं 2 बजे और 4 बजे जब उनकी नींद खुलती है तो बाहर आती है। बाहर देखती है कि टोकरी वगैरह नहीं है और सारी चीज़ें अंडे नीचे पड़े हुए हैं। तो वो भैया को बोलती है, भैया देखता है तो वो सारी चीज़ें उसकी प्याली वाली वो टोकरी है ना पानी पीने के लिए, थे टोकरी थे और चूजे बच्चे थे वो सब बाहर नीचे गिरे हैं। उसके चेहरे पर रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम लोग दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मी जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आंखें आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। यानी कि वो डांटते हुए नहीं, तुमने उसको अंडों को टच किया होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े होंगे, इसी की उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली कि इन्होंने इन्होंने अंडों को छेड़ा था मम्मी जी। माँ ने केशव से पूछा, क्या रे? केशव भींगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो फिर वो सब चीज़ बताती है। वो मम्मी पूछते हैं, वहाँ तू पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। मम्मी जी, केशव तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था माँ कि तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी मालूम नहीं, तू छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सीती हैं। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? और अम्मा जी,
माँ और क्यों खड़े क्या करती, केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा, हाय हाय तीन जाने ले ली दुष्ट ने। यानी कि उसकी मम्मी बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमको पता है कि चिड़िया के जो अंडे वगैरह टच कर लेते हैं तो उनको वो फिर सेती नहीं है, उनमें से बच्चे नहीं निकलते हैं, और इन तीन बच्चों की जो जान गई है ना, उनका तुम्हारे ऊपर सर पर पाप चढ़ेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रखा दिया था मम्मी जी। मम्मी हाँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने इनको सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी तो रो पड़ता था। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर ना दिखाई दीं, और फिर क्या हुआ, वहाँ से चिड़ियाँ उड़ गईं। और इस राइटर हैं, इस कवि हैं प्रेमचंद जी हैं, किस तरीक़े से हम बचपन में इस तरीके के बहुत सारे काम आप लोगों ने भी किए होंगे बच्चों, और हम लोगों ने भी किए होंगे इस तरीके की चीज़ों को, ये बताया गया है इसमें कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ लगाने से हो सकता है वो बच्चों को एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है उनमें से बच्चे ना निकलें। जैसा इस पार्ट में हुआ है उसी तरीके से इसमें भी है। ये हमारा 6th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है, और इस चैप्टर का नाम है नादान दोस्त, है ना, इस चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। तो बच्चों ये YouTube चैनल है सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है, जिससे इस तरीके की आगे भी आपको वीडियो मिलती रहें। नमस्कार बच्चों, जय हिंद, अच्छे हैं।